100 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम चौरा डांड से एक 6 वर्षीय बालिका को किसी अज्ञात बाइक चालक ने अपहरण कर लिया है। घटना की सूचना पर जियावन टीआई अनिल उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला को उक्त घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सेंडेन व देवसर एसडीओपी एलडी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय ने दल बल के साथ सीधी सिंगरौली के सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं बॉर्डर पोस्टों को अलर्ट कर सील कर घेराबंदी भी की गई। पुलिस टीम की सघन सर्चिंग अभियान पर बालिका को घटनास्थल से कुछ दूर नेशनल हाईवे के किनारे सुरक्षित पाया गया। वहीं टीआई अनिल उपाध्याय ने जब उक्त घटना की जानकारी उसके परिजनों से ली तो उन्होंने बताया कि बच्चों को छोड़कर जंगल में महुआ लेने चले गए थे। वहीं माँ और भाई का पीछा करते हुए बालिका काजल उनके पीछे जा रही थी लेकिन जगह मालूम नहीं थी जिसकी वजह से वह जंगल में भटक गई। जिसके बाद रोहित नामक लड़के ने बताया कि गुम हुई बालिका को किसी बाइक चालक ने अपहरण कर फरार हो गया है जिसकी सूचना पर पुलिस को दी गई। इस प्रकार अपहरण की झूठी घटना का पर्दाफाश किया गया एवं लड़के को सुरक्षित बरामद कर उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी एलडी सिंह, निरीक्षक अनिल उपाध्याय, उप निरीक्षक सरनाम सिंह, प्रधान आरक्षक उमेश महेंद्र हरिश्चंद्र, आशीष संतोष, रामकृष्ण संतोष सिंह सहित गठित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्ट और उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।